गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। कक्षा 8 गणित लेक्चर है 15 और पीज है 28। क्वेश्चन नंबर करेंगे, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चल रहे हैं और 6 है आपका, यह है 128,625 को किस छोटी से छोटी संख्या 128,625 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो 128,625 क्वेश्चन नंबर यह है आपका 6, एक्सरसाइज है 3.1। यहाँ पर है 128,625, यहाँ 128,625, तो इसको हम हो सकता है 3 से डिवाइड हो रहा होगा कोई, हम पर 5 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा यह, तो 5 से करते हैं हम पहले। तो 5 से 5 दूनी 10 और 2 बच गया 5, 25, 3 बच गया 5, 35, 1 बच गया 5, 2, 10, 5, 25, ऐसे हो गया। फिर 5 से होगा, 5 से 5, 25 के 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5, 25, फिर 5 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, नहीं गया 0 उड़ गई, 14, 5, 2, 10, 5 नाम 45। अब क्या होगा, ये 3 से हो सकता है, 3 से कर रहे हैं, 3 दिया 9, सॉरी 3 तिया 9 और यहाँ बच गया 1, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। फिर ये जाएगा 3 से, 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 3 से तो नहीं जाता, नहीं आता, सात से देखें, सात चौक 28, 7 से आता है, 7 चौके 28, 6 और 7 नाम 63, पुनः 7 से आता है, 7 × 7 = 49, पुनः 7 से आता है 1, इसलिए 128,625 बराबर हो जाएगा, 128,625 बराबर हो जाएगा आपका 5 × 5 × 5 × 3 × 7 × 7 × 7 बराबर। तो हम देख रहे हैं वह किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें भाग तक पूर्ण बन जाए, तो यहाँ पर 3 घन के रूप में हैं और 7 भी क्या 7 के 3 हैं, केवल 3 ऐसी संख्या है जो 3 के जोड़े के रूप, 3 संख्याओं के जोड़े के रूप में नहीं है, अतः यदि हम 3 का भाग दे दें तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। उक्त से 128,625 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा, यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 ही है और ये है आपका सवाल है आपका, देखेंगे आप भी देख रहे होंगे कि 53,240 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि भाग पर पूर्ण घन बन जाए। स्वयं करें आप इसको, सवाल ऐसा ही है जैसा वो है, जिसका जोड़ा नहीं बनना हो, जिनका जोड़ा 3 का नहीं बनना हो वो तो ऐसे ही भाग देना है। अब है आठवां है आपका, 2560 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें भाग पर पूर्ण बन जाए, ऐसा ही समझ करना है। दूसरे वाला ये है नौवां, 6,750 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें गुणा पर पूर्ण घन बन जाए, और ये है, तो इसमें मैं दसवीं सवाल कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कहूंगा, 10वां। ये है आपका कितना है, 26,305, पांच को किस संख्या से गुणा करें, से किस संख्या से गुणा करें गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहां करेंगे 46,305 गुणनखंड करेंगे यहां पर, तो पांच है तो पांच से जाएगा जाएगा निश्चित ही, तो 5 9 45, 1 बच गया, 5 2 10, 3 बच गया, 5 6 30 और 5 1 5, 5 9 45, 1 बच गया, 5 2 10, 3 बच गया, 5 6 30। अब 5 से भाग नहीं जाएगा, अब या तो जाएगा 3 से या जाएगा 7 से। 3 से देखते हैं, 3 और 38 जाता है, 3 3 थिया 9, 2 नहीं आया है और 26 हो गया, 3 8 24, 2 बच गया, 7 21। फिर देखते हैं 3 से जाता है क्या, 3 से जाता है, 3 3 1 3 यानी 0 उड़ गई, और 3 2 6 और 3 9 27। फिर 3 से देखते हैं, 3 से 3 3 9, 3 4 12 है, 3 3 9। फिर 7 से 7 7 4 28 और 7 9 63, फिर 7 से 7 और फिर 7 से हो गया 1 बराबर। इसलिए बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। तो हम देखते हैं घन के लिए 7 के पूरे जोड़े बनना है 3 बार और 3 के बनना है, पंत 5 का जोड़ा नहीं बनना है। हाँ, ऊपर युक्त से 46,305 को पूर्ण घन बनाने के लिए 5 को भी घन के रूप में करना होगा, अतः 5 × 5 बराबर 25 का गुणा करना होगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 25। इसके बाद में ये एक्सरसाइज पूरी होती है आपकी, अब हम अगली एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। ये है हमारी 3.2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए, आपको घनमूल निकालने हैं। निम्नलिखित में से का मान ज्ञात कीजिए, और ये प्रयास करता हूँ। चलो संख्या है हमारी ये, पहले का मैं करता हूं एल, क्वेश्चन नंबर 1 का एल एक्सरसाइज है आपका 3.2। यह है हमारा क्या है, 15,625, 15,625 का घनमूल निकालना है। तो देखेंगे 5 से 5 3 15 और 6 5 1 5, 1 बच गया, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से 5 6 30, 5 9 10 और 5 5 25। फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से कितना हो गया, 5 और फिर 5 से कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 6, अर्थात 15,625 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब हमारी 3 के जोड़े
पांच पांच के तीन लेकर के जोड़े दो बन गए, अतः तो लिख देंगे हम यहां घनमूल करके कितना है, तीन करके 15, 625 बराबर 5 × 5 और बराबर हो जाएगा आपका उत्तर, हो जाएगा 25 और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में हम ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही करता हूं मैं, पेज हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 2 का ई एक्सरसाइज 3.2, ये हमारा कितना है 13,824 करना है, तीन करके 13,824 गुणा तीन करके, तो घनमूल है ये भी कितना है 8,000। अब हम जानते हैं कि 13,824 दो से भाग जाएगा, निश्चित है ये 2 × 2 = 12 है, एक बच गया, दोनों में 18 और 12 है, फिर 2 से जाएगा 3, 4, 5, 6, फिर 2 से जाएगा 17, 28, फिर 2 से जाएगा कितना हो गया 2, 8, 16 है, 8 × 12 है और 4, फिर 2 से जाएगा 4, 32, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 2, 16 है, फिर 2 से जाएगा 1, 0, 8, फिर 2 से जाएगा दो से जाएगा 54, फिर जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 27, फिर जाएगा हमारा 3 से क्या 9, और फिर जाएगा 3 से 3, और फिर जाएगा 3 से 1, तो अब ये बराबर हो गया हमारा कितना, करके 2 × 2 × 2 × 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम ऐसा बढ़ान करके, इसको बढ़ान करके ऐसा कर दें, बहुत बड़ी जगह आएगी, तो 3 यहाँ करके ये है हमारा 2 की घात 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही 2 की घात 9 × 3 की घात 3 गुणा 3, ये होता हमारा 8, ये हो जाएगा 20 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं हम, ये इसका मतलब क्या होता है 2 की घात 9 × 3 की घात 3 की घात हो जाएगा 1/3 यहाँ पर, गुणा 20 की घात 3 और उसकी घात फिर हो जाएगा 1/3। हम जानते हैं घातों के ऊपर घात होती है, तो घातों का क्या होता है, गुणा होता होता है। तो क्या कर दिया हमने, तो 2 की घात 9 × 1/3 गुणा 3 की घात 3 × 1/3 गुणा 20 की घात 3 × 1/3 और ये हो जाएगा 2 की घात 3 × 3 × 20 बराबर 2 × 2 = 8, 8 × 3 × 20 और ये बन जाएगा आपका उत्तर 8 × 24 = 48, 480, और यही आपका क्या होगा उत्तर। इसके बाद में मैं ये बाकी सवालों को इसको आप स्वयं करेंगे, तो
में आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये, इसमें देखेंगे आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें ये अपने आप करेंगी, मैं आगे बढ़ूंगा। पहले ये यहाँ पर -2,197 लिखा हुआ है, तो इसको कर देंगे आप -1, -1 × 2,197 बटे 3,375। तो -1 का घनमूल क्या होता है, -1 लिखते हैं, -1 × -1 × -1, तो -1 का तो -1 हो जाएगा। अब 2,197 का घनमूल निकालेंगी और 3,375 का घनमूल निकालेंगी, उनको भाग दे देंगी, अपने आप हल करेंगी इसको। अब मैं चौथे का एक सवाल कर रहा हूं, मैं आपका चौथे का करता हूं मैं, तीसरा सी क्वेश्चन नंबर 2 का, नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, एक्सरसाइज है 3.2। यहाँ पर दे रखा है यह कितना है, 74 दशमलव, घनमूल याद करना है, ये 74.088। तो इसको हम दशमलव घनमूल को करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं घनमूल करके 74.088 बटे 1,000। दशमलव को हटा दिया, या 3 है हटा दिया, तो 3 जरूर बढ़ के नीचे। अब हम केवल 74.088 का खंड करेंगे, तो हम 2 से जाएगा निश्चित है, 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 है, 0 × 4 = 4, फिर 2 से 18, 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, और 2 × 2, फिर 2 से 9, 2 × 6 = 1, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखें, 3 से जाता है, 3 से 3 × 3 = 9, और 0 उड़ गई, 8 = 24, और 2 बच गया, 21, फिर 3 से 1 = 0 = 27, और 3 × 2 = 6, 2 बच गया 9, ये 2 × 3 है, ये 3 है। अब फिर 3 से 3 × 9 बच गया, कि 3 × 4 = 12 है, और 3, फिर 7 से 7 × 28, 7 × 9 = 63, फिर 7 से 7, और फिर 7 से 1, तो क्या हो गया बराबर। हम कर देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर 3 है, कहेंगे कितना, 2 × 3 × 3 × 3 × 7 × 3 / 10 / 3। अब ये इसका मतलब क्या होता है, 1/3, और बराबर हो जाएगा, ये 3 है तो 3 में से 1 लेना है, बराबर हो जाएगा 2 × 3 × 7/10, और बराबर हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6 = 42, 42/10, सॉरी 10, और बराबर हो जाएगा 4.2, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये हमने आज एक्सरसाइज 3.2 पूरी कर दी है। आगे के लिए आप ये जो इसके अभ्यास आपको दे रखे हैं, उनको आप स्वयं करते रहिएगा। जैसे एक बता दूं मैं आपका, जैसे -343 है, यहाँ करूँगा ये -343, तो करेंगे -1 × 343, तो -1 का घनमूल क्या होता है, -1 × -1 × -1, और गुणा इस 343 से क्या होता है, 7 × 7 × 7, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ले लेंगे, 3 में से 1 ले लेंगे, और 7 ये ले लेंगे, ऐसे करके आपको आगे का करना है। तो अभ्यास जब तक खुद नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं कर पाएंगे। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप
अपने अध्ययन को जारी रखें, अपने एक्सरसाइज को करते रहें। जब तक एक सवाल को आप स्वयं 3 बार नहीं कर लेंगे, परीक्षा में सवाल को नहीं कर सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।